पिछले दिनी होईयां बंगाल दियां विधानसभा चोणां ते कोरोना दी दूजी लहर ने मोदी सरकार नूं कमजोर कर दिता है, जिसका अंदेशा बंगाल च वड्डे पद्धर ते भाजपा अंदर आई बगावत तों लगाया जा सकता है। बंगाल विधानसभा चोणां तों पहला टीएमसी नालों टुट के कई लीडर भाजपा नाल खड़ गए सन, पर हुण वड्डे पद्धर ते भाजपा च बंगाल अंदर बगावत उठी है ते तकरीबन 20 तों 25 विधायक भाजपा नालों वक्री लीह ते जांदे जाप रहे ने। कंसोहा हन कि इह सारे बागी विधायक टीएमसी नाल आ खड़े हो सकदे ने। भाजपा विच तकरीबन 4 साल बिताउण तों बाद मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी विच परतण तों बाद दल बदली की राजनीति होर तेज हो गई है। मुकुल राय ने दावा किया है कि वह बहुत सारे भाजपा विधायकों के संपर्क विच ने जो टीएमसी विच शामिल हो सकते ने। बीते सोमवार भी जदों बंगाल विधानसभा विच विरोधी धिर के नेता शुभेंद्र अधिकारी राजपाल जगदीप धनखड़ नूं मिलन पहुंचे तो उन्हां नाल 77 विचों सिर्फ 51 विधायक ही सन। इस सारे घटनाक्रम ने भाजपा की सूबा इकाई विच बगावत के संकेत देने शुरू कर दिते ने। ते हुण खबरां यूपी तो भी हैं कि उत्थे योगी आदित्यनाथ ते केंद्रीय लीडरशिप की आपस में खड़क गई है। किसानी अंदोलन भी भाजपा के उल्ट वड्डे पद्धर से भाजपा सरकार की किरकिरी कर रहा है, पर हुण तक भी केंद्र सरकार एक कदम भी पिछे हटती नहीं जाप रही। जेकर यही माहौल रहा तो आने वाले 2024 भाजपा लिए वड्डी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हुण देखना यह होगा कि भाजपा बंगाल च अपनी सूबा इकाई नूं किवें मुड़ मजबूत कर पाउंदी है, या फिर बंगाल विच भाजपा के बागी लीडर टीएमसी नाल आ खड़े हो जांदे ने।